हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है, अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। सबसे पहले रीजनिंग का पोर्शन देख लेते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है, ठीक है, वेन डायग्राम से आया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से चार से, और एक बच्चे ने बोला 10 क्वेश्चन भी, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग, मतलब क्वेश्चन भी अलग अलग आ रहे हैं, और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कहीं पर चार पूछे जा रहे हैं, कहीं पर पाँच, कहीं पर छः, कहीं पर सात तक, कहीं पर 10 तक भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस लॉगिन से भी आपका चैप्टर पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चंस है, ठीक है, सीरीज से, क्लोक, कैलेंडर, एनालॉगी, ये सारे चैप्टर जो हैं इनसे हर एक मतलब रीजन में क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। देखिए मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन एक ऐसा था, एक बच्चे ने बिल्कुल बना के भेजा ऐसे ही मुझे, कि आपको इसकी बतानी थी मिरर इमेज। तो मैंने आपको पहले कितनी बार बता रखा है, मिरर इमेज में आपको क्या देखना है कि जहाँ पे भी मिरर रखा है उस डायरेक्शन में क्या चीज़ है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है, ये वाला देखिए, ये तो बॉक्स तो आपका पूरा इधर भी बनेगा, इधर भी बन जाएगा, इसका तो कोई मतलब मिरर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट वाला जो गोल वाला हिस्सा है, ये मिरर के पास में है, ठीक है, और ये बॉक्स वाला हिस्सा मिरर के दूर है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और मिरर के दूर ये चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये वाला था, अगर आपको ये ऑप्शन में मतलब आपके ऑप्शन में था, ठीक है। चलिए, एक ओड वन आउट का था, एक बिल्कुल ऐसा ही दे रखा था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन सभी में क्या कितने कोने हैं, चार, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सभी में, इसमें ज़्यादा है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छः, तो ये वाला ओड वन आउट हो जाएगा, मतलब कि ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। वीडियो को पूरी देखिएगा, इसमें अभी बहुत सारे साइंस के और आपके मैथ के भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका सभी वाला, मतलब सभी की कंडीशन था, यहाँ पे गेट की जगह कुछ और हो सकता है, शायद सब्जी वब्जी थी कुछ, यानी कि सभी वेजिटेबल्स आपका कुछ ऐसे करके था, वो पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, तो फिर मैं अपनी तरफ से ये सभी कंडीशन वाला एक क्वेश्चन ऐड किया, ठीक है। सभी गेट दरवाजे हैं, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन था, सभी वाली कंडीशन थी, सभी गेट दरवाजे हैं और सभी प्रवेश गेट हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करना मतलब बहुत ही आसान है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने बच्चे भी मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, वो मैथ और रीजनिंग के मतलब वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि सर जितना आपने पढ़ा है 90% उसमें से मिल रहा है, तो बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरा 15 वीडियो वाला क्रैश कोर्स नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सभी प्रवेश गेट है तो सभी के सभी प्रवेश गेट हो जाएंगे, ठीक है, और आपका सभी के सभी गेट दरवाजे हैं, यही तो बोल रखा है यहाँ पे, सभी गेट आपके दरवाजे हैं, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले बोला है सभी गेट दरवाजे हैं, तो आपने सबसे पहले जो वेन डायग्राम बनाना है वो गेट का बनाना है, तो सभी के सभी गेट आपके दरवाजे हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में यहाँ पे बोला गया है कि सभी प्रवेश गेट है, तो सभी प्रवेश गेट का बोल सकते हैं जब प्रवेश गेट के अंदर आ जाएंगे, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, तो हमने इसको प्रवेश को गेट के अंदर बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखे क्या क्या थे, सभी प्रवेश दरवाजे हैं, तो सभी के सभी प्रवेश दरवाजे हैं, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी। कैसे भाई, प्रवेश किसके अंदर है, गेट के, और गेट किसके अंदर है, दरवाजे के, तो सभी के सभी प्रवेश दरवाजे हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पहला राइट हो जाएगा। दूसरा है सभी दरवाजे प्रवेश है, तो सभी दरवाजे प्रवेश नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब दरवाजे के ऊपर को आपका प्रवेश वाला डायग्राम आ जाएगा, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये वाला आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ज़्यादातर आपके जो आ रहे हैं सिलोगिज्म वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान है, हर एक बच्चा करके आ जाता है, ठीक है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है। एक था आपका वेन डायग्राम का, ये क्वेश्चन आपको इसमें बताना था कि इनमें से कौन सा राइट होगा। यहाँ पे था डॉक्टर, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दोनों डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, तीनों मतलब रिलेट तो कर रहे हैं, तो जो रिलेशन में नहीं है, यानी कि जो इन तीनों को रिलेट नहीं कर रहा है, वो डायग्राम तो हम हटा देंगे। जैसे ये वाला तीनों को अलग बता रहा है, हटा देंगे, और ये वाला क्या है, ये वाला बता रहा है कि इनमें एक अलग है, तो इनमें से कोई भी अलग नहीं है, इसको भी हटा देंगे, बचा हमारा ये और ये। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ सर्जन आपके न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आपके सर्जन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी बन गई, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो ये वाला आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है।
चलिए, एक क्वेश्चन था आपका सीरीज का कुछ इस तरीके से, 2928 आपका यहाँ पे था डैश, और यहाँ पे बताना था आपको क्या आएगा, और 126 और 116, सॉरी 126 और 216 था, मतलब ठीक है, इस तरीके से सीरीज थी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 का क्यूब करेंगे 8, प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 का क्यूब क्या कितना होगा आपका, 27, प्लस 1 करेंगे तो आपका 28। इसी तरीके से 4 का क्यूब करेंगे तो 64, प्लस 1 आपको जाएगा 65। इसी तरीके से आप करेंगे 5 का क्यूब, तो 125 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा ये, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65 राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसलिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कम लेके आ पाया हूँ, ठीक है। कल से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे मैं आपके लिए बिल्कुल करेक्ट टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कुछ कि एम को 31 लिखा जा रहा है, ठीक है, मैन को ये लिखा जा रहा है, तो वोन को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि मैन का जो आपको कोड पता होगा, तो एकदम आप मतलब नोट कर लेंगे कि ये 13 लिखा जाता है मैन को, सॉरी एम को, और यहाँ पे 31 लिखा, तो उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये पता होगा कि एम आपका 30 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 13 को यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया 31, तो ऐसे मैन को यहाँ पे करना है, यानी कि मैन आपका 13, एम 13 पे आता है, ए आपका फर्स्ट पे आता है, और एन आपका 14 पे आता है। सभी को उल्टे करके लिख लेते हैं, 13 को हम 31 लिखेंगे, 1 को तो 1 ही लिखेंगे, और 14 को 41 लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला कोड बन जाएगा। इसी तरीके से आपको वोन को भी ऐसे लिखना है, W आपका 23 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, N आपका 14 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए, इनको उल्टा करके लिखेंगे तो 32, 15 को उल्टा करके लिखेंगे तो 51, और 14 को उल्टा करके लिखेंगे तो 41 आपका हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, 325141, ये इसके लिए कोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, और देखिए दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट भी आप परचेज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने सारे बच्चों के अब तो मतलब आपके कमेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी, और उन्होंने 30 टेस्ट लगाए, पूरे के पूरे टेस्ट लगाए और एग्जाम देने गए, तो बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो इनसे यहाँ से मतलब मिल भी रहे हैं, और बहुत सारी हेल्प हमारी हो रही है, क्वेश्चंस को जब पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस लगाते हैं तो उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जाके कंप्यूटर पर बैठेंगे तो कम से कम भी 5-10 मिनट तो आप यही सोचने में निकाल देंगे कि अब इसको स्टार्टिंग कैसे करें और ये सब कुछ। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें लगाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल भी है तो मोबाइल में भी आप इसको लगा सकते हैं। 30 टेस्ट आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में, प्राइज 149 है। अगर आप टॉपिक स्टडी के स्टूडेंट हैं, मतलब कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो इस 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं आप। यहाँ पे आपको सिर्फ भरना है सौरभ SPL, ठीक है, ये वाला कोड नोट कर लीजिएगा, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे GK के और कुछ साइंस के, क्रिस्टल अवार्ड 2018 किसको मिला है, तो शाहरुख खान को मिला है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मतलब फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो आगे भी रिपीट हो सकता है। 2018 का गौरव पुरस्कार किसने जीता, तो आई थिंक ये राइट आंसर दिनकर जोशी हो जाएगा, ठीक है, दिनकर जोशी इज द राइट आंसर। कौन सा मुख्यमंत्री पहले मंदिर का पुजारी था, योगी आदित्यनाथ जी। देखिए अगर इसमें मैं गलत होऊंगा क्योंकि मैंने कोई सर्च नहीं किया है, डायरेक्ट लिखा है, तो अगर आपको लगता है कोई और है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एशिया महिला कप हॉकी, महिला हॉकी कप कौन जीता, इंडिया जीता है, ठीक है। किस पाकिस्तान खिलाड़ी ने ODI में 200 रन बनाए हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। पीरियोडिक टेबल से आपके 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, न्यूटन का भी कोई क्वेश्चन था, न्यूटन का नियम शायद कोई सा पूछा गया था, ठीक है। एक आपका नीति आयोग के अध्यक्ष, इतनी बार तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब तो ये ऐसा लगता है कि अब मुझे भी लगने लगा है फेक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोज ही बता देते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष, तो PM नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी को पता भी चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक, जब कोई चीज़ पिघलती है यानी कि मेल्ट होती है, तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन होंगे तो आपका इंक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाहुबली मूवी से भी आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाहुबली मूवी के डायरेक्टर कौन है, SS राजमौली राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मिलेनियम ग्रुप किसको बोलते हैं, 9th ग्रुप को मिलेनियम ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है 2018 का, ब्रूनो मार्स को मिला है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असम के गवर्नर पूछे गए हैं, ये शायद सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, फिर थर्ड में भी पूछ लिया गया, जगदीश मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अटल एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है, बुंदल एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अत्यधिक विकेट लिए, कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन था आपका, ये झूलन गोस्वामी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। तो एग्जैक्ट शायद क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज गलत होगी। नेक्स्ट था आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी है, परमाणु संख्या के आधार पर बनी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आगे भी पूछा जा सकता है। पीलिया में सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बताया, बट एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 20 मई 1498 में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। सांप के अंदर कितनी पसलियाँ होती हैं, 220 होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है, मैक्सिमस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता किस नदी के ऊपर बसा है, हुगली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आज का पूछा गया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मैथ की, मैथ में आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, ट्रेन से एक क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का भी, ट्रेन से क्वेश्चन था, ठीक है। मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन और कुछ चैप्टर मुझे नहीं पता चले हैं, और शायद मैं बता रहा हूँ आपको एचसीएफ एलसीएम होगा और आपका स्क्वायर रूट होगा, टिग्नोमेट्री मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चंस होंगे, तो ये चैप्टर भी हैं आपके, बट किसी ने बताया नहीं है, आई थिंक मैं ज़्यादा पूछ नहीं पाया या फिर बता नहीं पाया, जो भी कंडीशन रही है, बट ये चैप्टर भी आए होंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और आप अगर पहले वाली जो मेरी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा तो उनको भी देख लिया करें, पूरे दिन की एनालिसिस मैं करता हूँ, ठीक है, और कल से बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाया करिए, थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका, दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे के पूर्णतः एक मिनट में पार करती है, यानी कि जो तेज चल रही है वो एक दूसरी को पार कर जाती है, ठीक है, एक मिनट में। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब हमें यहाँ पे लंबाई निकालनी है एक ट्रेन की, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था शायद प्लेटफॉर्म का, यानी कि प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ निकालनी थी, वो क्वेश्चन मैंने ढूंढा, थोड़ा सा मिला नहीं मुझे पूरा एग्जैक्ट, ठीक है, तो आप वो मैं आपको कल करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, या फिर आप इसको समझिए, बिल्कुल आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ट्रेन किसी चीज़ को पार करके जाती है तो उसमें भी दोनों की लेंथ लेते हैं, और जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के मतलब डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब भी दोनों की ही लेंथ ली जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ट्रेन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जब भी कोई भी दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी दोनों की चाल का हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ को चलती है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तब उनकी जो चाल होती है उन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, इन दोनों की मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लेंथ फर्स्ट ट्रेन और लेंथ सेकेंड ट्रेन को प्लस करेंगे और स्पीड का हम डिफरेंस ले लेंगे। तो हमें क्या पता है यहाँ पे, टाइम पता है एक मिनट लगती है पार करने में, तो इसका मतलब 60 सेकंड हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये मीटर में दे रखी है। तो लेंथ वन फर्स्ट ट्रेन की हमें दे रखी है 125 मीटर, दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा इस तरीके समझ में आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है पहली रेलगाड़ी की 125 मीटर, दूसरे वाली की हमें निकालनी है तो उसको L2 ही रखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना आएगा, देखिए 18 इनका डिफरेंस आएगा और 18 से 18 कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गई। तो बस आप कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 आपका, ठीक है, यानी कि 300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 + L, तो L2 की आपकी जो आ जाएगी इसमें से माइनस होकर 175 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी आएगी, 175 मीटर, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने करा रखे हैं, ठीक है। अगर यहीं पर मान लीजिए कि एक ये ट्रेन होती और ये पार कर रही होती, सॉरी ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि एक क्वेश्चन था आपका कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी एक ट्रेन और आपसे पूछा था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे आपको अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ जाए और ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस करते हैं और ट्रेन की चाल से भाग कर देते हैं। मान लीजिए ट्रेन की चाल तो ये थी और लेंथ मतलब ऑफ प्लेटफॉर्म ये थी और लेंथ ऑफ आपकी जो ट्रेन की थी वो ये थी, तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ही निकालना था, बस इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको तब भी यहाँ पे आंसर आ जाता, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, एक आदमी, एक औरत और एक लड़की मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करे तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैन,
फीमेल और बॉय मैंने इस तरीके से MFB लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तीनों मिलके तो 3 दिन में करते हैं इस वर्क को, ठीक है, 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में, यानी कि एक आदमी 6 दिन में करे समाप्त करे, एक लड़का यानी कि एक बॉय आपका 18 दिन में समाप्त करे, तो यहाँ पे एक औरत कितने दिन में करेगी, एक फीमेल हमें निकालना है कि वो कितने दिन में करेगी। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम 18 आ गया, 18 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये तीनों एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर लेते हैं। 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मैन जो है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेता है, और 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो बॉय एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। तो हमें क्या पता चल गया, तीनों का वर्क भी पता चल गया, मैन और बॉय का वर्क भी पता चल गया, दोनों को प्लस करेंगे 3 और 1 4 और 6 में से माइनस कर देंगे तो फीमेल का जो एक दिन का वर्क आ गया वो कितना आ गया, 2 यूनिट। तो बस यही पूछा है कि फीमेल से अगर वर्क कराया जाए टोटल तो वो कितने दिन में करेगी, तो टोटल वर्क तो आपका 18 है, ये एक दिन में 2 यूनिट करती है, 18 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 डेज, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो है बोटन एंड स्ट्रीम से है ये चैप्टर, ठीक है, नाव तथा धारा से, तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है, ठीक है, तथा धारा के विपरीत यानी कि देखिए मैं आपको समझाते, तो धारा की दिशा में यानी कि धारा जिस डायरेक्शन में जा रही है, एक तो उस डायरेक्शन में मूव करना हो गया बोट का, एक जब धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो धारा के विपरीत जाना, ये आपका हो गया अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है, तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, आपको निकालना है शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, नाव की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखिए आपको बता रखा है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय की जाती है, तो अगर मैं इस 10 को 1 किलोमीटर को 10 से डिवाइड कर दूं तो हमें डाउनस्ट्रीम की इस चाल पता चल जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और आपके पास डिस्टेंस भी है, तो अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम है तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और जो टाइम है वो 10 मिनट, तो 10 मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है और ये मिनट है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है मिनट किसी के साथ में नहीं आता है, ना ही मीटर पर सेकंड के आता है, यानी कि अगर मीटर में डिस्टेंस दे रखी होगी तो वहाँ पे आप मिनट का कोई यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आप सेकंड लेंगे, और जहाँ पे किलोमीटर दे रखा होगा वहाँ पे आप घंटे लेंगे। तो 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कैसे होगा, 10 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60/10 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आपको अपस्ट्रीम निकालनी है, अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर को पार करने में 20 मिनट लेते हैं, तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 20/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउनस्ट्रीम में तो जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपस्ट्रीम में कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है, ये आपकी चाल आ गई डाउन और अपस्ट्रीम में, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है भाई, एक्स की वैल्यू मतलब कि धारक की जो सॉरी नाव का वेग, यानी कि शांत जल में नाव का वेग आपको निकालना है, नाव की चाल निकालनी है शांत जल में, उसको निकालना बहुत ही आसान होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। तो जब भी हमें निकालना होता है नाव का वेग, ठीक है, शांत जल में नाव का वेग, तो हम डी और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को प्लस करके 2 से भाग देते हैं। अगर हमें निकालना हो पानी की चाल, ठीक है, यानी कि करंट, यानी कि आपका बोला जाए जल का वेग, ठीक है, तो अगर आपको निकालना हो पानी की चाल तो तब आपको क्या करना है, तब इन दोनों को माइनस करना है और 2 से भाग कर देना है। बस ध्यान रखना है कि आपको चाल किसकी निकालनी है, तो आपको अभी निकालनी है x की वैल्यू, x को x बोलते हैं हम, ठीक है, नाव का वेग, और पानी का वेग को, जल का वेग को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक है। जब मैंने पढ़ा था चैप्टर पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा रखी थी, तो यहाँ पे क्या करना है, 6+3 करना है, 2 को 2 से डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर जो है वो 210 रुपये है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस कितना रखा है, 210, यानी कि सेलिंग प्राइस जो रेसिपी है, यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं समझते हैं विक्रय और क्रय, तो यहाँ पे कितना रखा है, 210, और ये 210 क्या है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट परसेंटेज भी यहाँ पे दे रखी है 25%, तो प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी सीपी तो 100 होती है, पता है सीपी पे जब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ मिलती है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है, 25%, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 125% के इक्वल है, ठीक है। तो आपका जो ये 210 आ गया, ये डिफरेंस आया इन दोनों का, और यहाँ पे जो 25 है, तो ये 25% के इक्वल हो जाएगा भाई। सीधा सीधा सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, मैं कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि आपको निकालना है, सॉरी
देखिए यहाँ पे आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लिखने में शायद गलती कर गया, यहाँ पे आपको सीपी निकालना है, ठीक है, तभी मैंने अंडर लिखा है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता तो आपको निकालना यहाँ पे लिखना था 125। कोई बात नहीं, अगर आपको सीपी निकालना है तो 100 लिख लीजिए, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो 125 लिख लीजिए, बस इतना ही फर्क है। 25% की वैल्यू आपको पता चल गई ना, बस ये क्वेश्चन नीचे का समझिए कुछ भी नहीं है। अगर 25% की वैल्यू आपको पता चलेगी 210 है, तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, या फिर आप 50% वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 60% भी निकाल सकते हैं। सीधा सीधा क्या करना है आपको, 210 को आप 25 से भाग करना है। अगर निकालनी है सीपी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकालनी है सेलिंग प्राइस तो 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी यहाँ पे क्या निकाला गया है, यहाँ पे सीपी निकाली गई है, तो आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करके 125 सॉरी 25 एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, 21,000। 21,000 को डिवाइड करेंगे तो सेलिंग सॉरी आपका यहाँ पे सीपी होगा, सीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 840, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यही था आज की पूरी वीडियो में। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो अगर आपके पास ऐप है तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करना है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ पे ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसकी भी मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की भी पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी है, और मैं आपको वहाँ पे सीएम और आपका गवर्नर इन सभी की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है और आपके पास 4 से 5 दिन भी है अभी मतलब पेपर एग्जाम देने में, तो ₹120 की वो टेस्ट सीरीज है, नीचे लिंक दे रखा है, परचेज कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।